नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन लोगों ने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, उनमें जो सीट अलॉटमेंट को वो कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कि उनका सीट अलॉटमेंट का क्या स्टेटस है, साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट एडमिशन फ़ीस का कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाके सर्च करना होगा MP हायर एजुकेशन। आप जैसे ही गूगल में जाके MP हायर एजुकेशन सर्च करते हैं, आपके सामने सर्च रिजल्ट में जो पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी वो होगी MP हायर एजुकेशन की वेबसाइट higher-education.mp.gov.in। इसी वेबसाइट पर आप क्लिक कर दें, इसके अलावा और किसी पर ना करें। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ये MP हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, इसको आप देख लें गौर से, कुछ इस तरह की दिखेगी। इसमें आपको सेंटर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन एडमिशन 2017-18 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन UG और PG, सेंटर में दिख रहा होगा आपको। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करके eprivesh.nic.in की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जो कि ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन की वेबसाइट है। जब आपने एप्लीकेशन भरा होगा तब भी आप इसी वेबसाइट से अप्लाई किया होगा आपने उस समय। ये देखिए, ये खुल गई है, इसको आप पहचानते होंगे आपने जब अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन कुछ अलग मिले होंगे, और इस वेबसाइट पर जो ऑप्शन थे वो थे एप्लीकेशन अप्लाई करने के। यहाँ अभी जो ऑप्शन इस लिंक के माध्यम से जो आपको मिलेंगे वो सीट अलॉटमेंट की जानकारी और सीट अलॉटमेंट लेटर या स्टेटस की जानकारी आप यहां से जान सकते हैं। तो यहां आप देख रहे होंगे, इसमें ये कुछ इस तरह की वेबसाइट है। इसमें आपको तीन ऑप्शन होंगे, एक तो प्रिंट सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए, दूसरा जनरेट ई रेफरेंस के लिए, और तीसरा प्रिंट ई रेफरेंस के लिए। UG और PG कोर्सेज में जो दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगी, अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस को जानने के लिए, सीट अलॉटमेंट के स्टेटस को जानने के लिए। अभी PG के लिए चालू नहीं हुई है, UG के लिए है। तो आप इस पर क्लिक कर दें प्रिंट सीट अलॉटमेंट लेटर के बटन पे, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीट अलॉटमेंट लेटर फॉर फर्स्ट राउंड। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन ID, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने स्टार्टिंग में, उसमें एप्लीकेशन ID होगा आपका, तो उससे आप ये एप्लीकेशन ID देख लें। आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दें, और सीक्रेट की आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाई थी उन तीनों को यहाँ एंटर कर दें। उन तीनों को एंटर करने के बाद, यानी अपने डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन ID और सीक्रेट की को एंटर करने के बाद एक कोड डाल दें। और इस कोड को डालने के बाद जो दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा कोड, जो इसमें दिख रहा है आपको, उसको डालने के बाद एज इट इज़ डाल दें। उसके बाद शो अलॉटमेंट स्टेटस, नीचे की तरफ एक बटन दिख रहा होगा, उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो आपके एप्लीकेशन से संबंधित, जो आपने अप्लाई किया है और आपके अलॉटमेंट का क्या स्टेटस है, आपको अलॉटमेंट हुआ है किस कॉलेज का, क्या स्टेटस है उसका, वो यहाँ आप उसकी इन्फॉर्मेशन देखने में समर्थ होंगे। तो ये इसका तरीका है अलॉटमेंट देखने का, आपकी सीट की जानकारी का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको उस जो कॉलेज है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो है फीस, एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि जो आपकी प्रवेश शुल्क है वो आपको देना होता है अगर आपने नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप बैक करें और ये अलॉटमेंट वाले पेज पर आप जाएं, और यहाँ पर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें, जनरेट ई रेफरेंस पर। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करें, जो हिंदी में एक दिख रहा होगा आपको नीचे की तरफ राशि का भुगतान करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, उस पर क्लिक करें। आप इसको करना ज़रूरी है, एप्लीकेशन सॉरी एडमिशन फ़ी के पेमेंट को करना ज़रूरी है, इसका ऑनलाइन
प्रोसीजर है पे करने का, तो आप को मैं आपको वो भी यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको आप देखें ज़रूर समझें, इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है ज़रूर। तो ये क्लिक कर दें यहाँ पर, उसके बाद ये पेज खुलेगा। ये यहाँ पर जानकारी है, एक तरह से स्टेप्स हैं कि आप किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करें, कौन कौन सी स्टेप्स के कैसे कैसे जाना होगा, हिंदी और इंग्लिश में वो स्टेप्स हैं, तो उसको फॉलो करते हुए आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ये ऑनलाइन एडमिशन फ़ी का पेमेंट कर पाएंगे जो भी है। और इसमें राइट साइड में SBI का एक लोगो है ऊपर की तरफ, आपको उस पर क्लिक करना होगा आगे की प्रोसेस करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ काफ़ी स्टेप्स आपको बता दूँगा जिससे कि आपको आसानी हो और आप अपना पेमेंट आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स हैं उसको आप ज़रूर देखें और उस प्रोसेस की स्टेप्स को अच्छे से समझ लें। और राइट साइड में, अपर राइट साइड में देखिए, वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो SBI का लोगो, उस पर आप क्लिक कर दें तो ये आगे पहुँचेंगे आप या नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर रूल्स जो भी दे रखे हों आप एक बार उसको पढ़ लें। और नीचे की तरफ एक कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए नीचे एक चेक बॉक्स है, उस पर आपको टिक मार्क करना होगा नीचे की तरफ। अभी आप जब नीचे की तरफ जाएंगे पढ़ के तो उसको टिक मार्क करें और उसके बाद नीचे प्रोसीड बटन का आपको दिखाई देगा, प्रोसीड बटन। तो चेक बॉक्स पर टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको ये स्टेट सेलेक्ट करना है अपना, जो भी आपका स्टेट हो, और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद पहले आप स्टेट चुन लें आपका जो भी स्टेट है, तो यहाँ पर स्टेट चुन लिया मैंने। और दूसरे में आप डिपार्टमेंट चुन लें जिसमें आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चुनना होगा। दूसरे ऑप्शन में टाइप ऑफ कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चुनना है, तो ये दोनों ऑप्शन आप चुन लें, स्टेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चूज़ करना है जो कि है आपका कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MP। इस ऑप्शन को आप चुनें और आगे सबमिट करें। डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद तो आपके सामने नेक्स्ट जो पेज खुलेगा होगा पेमेंट कैटेगरी चूज़ करने का। अब पेमेंट कैटेगरी में आप जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लें जो कि आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का। तो आप जिस कैटेगरी के लिए ये पेमेंट कैटेगरी चुनना चाहते हैं, आप भर रहे हैं, वो चुन लें। वो चुनने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ जानकारी और आपकी जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म कॉलेज के लिए अप्लाई किया था उससे संबंधित जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन ID, आपका रेफरेंस नंबर, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ने अपने आप ले ली है, और नीचे की तरफ कुछ और जानकारी रहेगी। ये सारी डिटेल आपको कहीं ना कहीं आपके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसके बाद जो रिसिप्ट आपको आपने जनरेट की होगी जो उसके बाद उस पर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से चेक करके यहाँ भरें सही सही। और नीचे की तरफ आपको ये नाम आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना है आपका जो आपने पहले भी भरा होगा, और इसके बाद ये कोड डालें जो दिखाई दे रहा है इमेज में। उसके बाद इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आप उसके चुन लें। उसके बाद लॉगिन ऑफ ID और पासवर्ड डाल के आप जब अपना लॉगिन करते हैं तो जैसा कि इसकी वेबसाइट के पेज पर बता रखा है नियमों में, ये कि आप जब अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आप कंफर्म ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दें, आपको ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग के जरिए, और उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, और उसके बाद आप जो प्रिंट है कर सकते हैं वो है रिसिप्ट इसकी। तो ये यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इस तरह की ये सारी प्रोसेस थी, इसको अच्छे से आप देख लें, स्टेप्स को फॉलो करें और आसानी से आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनको आगे का की प्रोसेस करने में आसानी हो। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें।